तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लूम मैकेनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूंडई क्रेटा के बारे में, जो कि ह्यूंडई की अल्टीमेट एसयूवी है। इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे। ये टर्बो मॉडल आप देख रहे हैं अपने सामने, व्हाइट कलर का मॉडल है ये। ह्यूंडई क्रेटा के बारे में हम क्या क्या जानेंगे? हम जानेंगे फीचर्स के बारे में, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, क्या क्या इसमें सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, और क्या प्राइसिंग इसकी ब्रैकेट है, हमें ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। हम इस पूरी डिटेल से बिल्कुल नॉन बायस्ड रिव्यू बनाएंगे और वॉक अराउंड भी करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको पता चल जाए कि क्रेटा आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर आप क्रेटा ले रहे हैं तो इस गाड़ी में ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं जो कि इस गाड़ी को बना देते हैं सेगमेंट लीडर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने ह्यूंडई क्रेटा है, जिसका ये SX ऑप्शनल मॉडल है। टर्बो वेरिएंट में इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, दो लो बीम और एक हाई बीम का, और ये LED DRL आपके सामने आपको दिख रही है। और अगर यही हम रेयर में जाते हैं तो इसमें भी आपको सेम शेप के LED स्ट्रिप्स मिल जाती हैं, और जो क्रेटा ह्यूंडई की बैजिंग के ऊपर है वो ब्रेक लाइट है, जो कि ब्रेक दबाने पे जलती है। तो ये तो है टर्बो वेरिएंट SX ऑप्शनल मॉडल। इसके हम अलॉयज और टायर का साइज़ जान लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिखेगा आपको 21560R17 है। जो दूसरे अलॉयज़ हैं वो आपको डीजल और पेट्रोल का जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको मिलेंगे, जो मैनुअल के साथ आते हैं। ऑटोमेटिक जो DCT है टर्बो के साथ, उसके साथ आपको यही अलॉय मिलेंगे। जो आगे के ग्रिल है वो दूसरे मॉडल्स के जैसे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश की नहीं है। सामने के आप लोग देख सकते हैं क्रोम का यूज़ किया गया है, और जो ग्लॉस ब्लैक है वो नहीं है, थोड़ा डल वाला है। नीचे फॉग लैंप्स मिल जाएंगे और उसी के पास आपको इंडिकेटर भी दिख जाएंगे। ये टर्बो DCT मॉडल है, तो इसके जो साइडों में है DCT की बैजिंग मिलेगी। ORVM पे इंडिकेटर्स आपको LED स्ट्रिप वाले मिल जाएंगे। अलॉयज आपको दिखा चुका हूँ, टायर साइज बता चुका हूँ। एक बार आप पूरी गाड़ी के एक लुक लीजिए वॉक अराउंड साइड से कि कैसी लगती है गाड़ी की। गाड़ी ऊंची है, अल्टीमेट SUV है ह्यूंडई की। ये आपको इस मॉडल में पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। कोई भी आप टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल लेंगे तो आप उसको उसमें पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। नीचे अगर आपको नीचे से देखना है कि कैसी लगती है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट साइड में आपको दो एग्जॉस्ट पाइप मिल जाएंगे, और ये रहा नीचे से व्यू गाड़ी का। तो अगर हम ह्यूंडई क्रेटा की कार्गो वॉल्यूम, जिसे हम बूट स्पेस कहते हैं, उसकी बात करें तो 433 लीटर्स की बूट स्पेस है, जिसमें सबवूफर भी मिल जाएगा आपको पीछे, और एक स्पेयर टायर इसके नीचे मिल जाएगा। इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है 4300 mm, विड्थ 1790 mm, और हाइट 1635 mm है। तो ये तो थी बूट स्पेस 433 लीटर्स की, अपनी सेगमेंट में ठीक ठाक है। इससे बड़ी हैरियर में आती है, जिसका साइज़ इससे भी बड़ा है, और सेल्टोस जो इसी के साइज़ के उसमें भी अप्रॉक्सीमेट इतना ही बूट स्पेस मिलता है। तो अब इसके इंटीरियर की बात करते हैं। सामने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसके साइड जो RPM मीटर है वो डिजिटल है, सॉरी वो एनालॉग है। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, इसमें पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है, पैडल शिफ्टर्स आ जाते हैं, टर्बो वेरिएंट ऑटोमेटिक DCT के साथ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, USB चार्जिंग पोर्ट विद 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट के साथ वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, DCT, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वेंटिलेटेड फ्रंट टू सीट्स मिल जाती है, ड्राइव ट्रेन सिस्टम मिल जाता है, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट नहीं है, ये ओपन होके इसके अंदर स्टोरेज स्पेस है, और यही इन्होंने वो बना रखा है, क्या कहते हैं, एयर प्योरीफायर, जिसे ह्यूंडई किया बहुत यूज़ कर रहे हैं। वेंटिलेटेड सीट्स हैं, जिसमें आपको होल्स दिख जाएंगे। रेड इंसर्ट्स आपको दिख रहे हैं पूरी गाड़ी में, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में रेड कलर का वो है ना, उसको आप चेंज कर सकते हैं। राइट साइड लाइट कंट्रोल्स, और लेफ्ट साइड वाइपर कंट्रोल्स है, पैडल शिफ्टर्स आपको दिख रहे हैं। राइट साइड जो आपके कंट्रोल्स है वो MID कंट्रोल्स है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के वो कंट्रोल्स है। लेफ्ट साइड आपके म्यूजिक सिस्टम इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स है। यहाँ पे आपको राइट साइड में आपको स्टार्ट इंजन स्टॉप और लाइट एडजस्टर दिख जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ है, बॉस के स्पीकर्स हैं, बूट में आपको मैंने सबवूफर दिखाई दिया है। अब इस MID की बात करते हैं। राइट साइड इंजन हॉटनेस का है वो है, जो आपको इंजन बताता है कोल्ड है कि गर्म है, और ऊपर फ्यूल लीड का टेम्परेचर है। आप राइट साइड स्टीयरिंग कंट्रोल बटन थे, उनसे आप MID की
जांच ले सकते हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह सब बता देता है ये। डिजिटल स्पीड और कार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाती है MID में। आप इस MID में ग्रीन, रेड और ब्लू कलर चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ड्राइव मोड। इसमें ड्राइव मोड आते हैं स्पोर्ट्स, इको। अब बात कर लेते हैं इसके पैनारोमिक सनरूफ की, तो वो यहाँ पर बहुत ही बड़ा पैनारोमिक सनरूफ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो आगे है वो नॉर्मल सनरूफ है जो खुल जाता है, जो पीछे का रूफ है, जो शीशे का रूफ है वो सिर्फ स्टिल रहता है, वो एज एक्ट करता है ताकि आप अगर रोड पे जा रहे हैं, बारिश हो रही है, आप बंद रखें पूरा, बड़ा शीशा है, अच्छे से व्यू आता है, अच्छी से लाइट अंदर आती है, कैबिन में अच्छा एरी फील होता है। बात करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट इंफोटेनमेंट सिस्टम की, इसमें नेविगेशन आ जाती है, इनबिल्ट रेडियो, मीडिया, नेविगेशन मैप्स मिल जाते हैं आपको, और इसमें इनबिल्ट ब्लूटूथ और ह्यूंडई के ब्लू लिंक जैसे कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी गाड़ी को बाहर रहते ही स्टार्ट ऑफ, एसी ऑन ऑफ सब कुछ कर सकते हैं। तो अब इसका TTDI इंजन देख लेते हैं, 1.4 लीटर टर्बोचार्ज गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन। आप इंजन देख लीजिए, उसके बाद इस गाड़ी की साउंड मैं आपको सुनाता हूँ। इसके जो बॉस के स्पीकर हैं कैसे हैं वो आप देखिएगा, आप सुनिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा म्यूज़िक सिस्टम आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब बात कर लेते हैं स्टोरेज स्पेसिस की, यहाँ पे एक बोतल आ जाएगी 1 लीटर वाली और बाकी स्टोरेज स्पेसिस यहाँ दोनों साइड में दे रखी हैं। रेयर में भी सेम स्टोरेज स्पेसिस हैं, एडजस्टेबल ड्राइवर और को पैसेंजर की सीट बेल्ट हैं, हाइट एडजस्ट हो जाती है, ड्राइवर साइड में कोई मिरर नहीं है वैनिटी मिरर पर, वही को पैसेंजर साइड में वैनिटी मिरर है। और जो इसकी जो लाइट्स हैं वो चारों की चार LED है, ये सनग्लास होल्डर है, ये LED लाइट्स हैं दोनों की, आप देख सकते हो LED है। जो आपको रेयर में दो मिलेंगी वो भी यहाँ तक कि इन्होंने LED दी है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आपको टर्बो वेरिएंट में S6 ऑप्शनल मॉडल में रेड इंसर्ट्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही प्रीटी और आपको स्पोर्टी लुक देते हैं इंटीरियर का। पैडल शिफ्टर्स आपको मिल जाएंगे जो कि ऑटोमेटिक में आपको बहुत ही मदद करते हैं गाड़ी चलाते हुए, और कुछ स्पोर्टी हद तक फील भी मिल जाती है। आप इंफोटेनमेंट आप सिस्टम देख सकते हैं कि कैसे कंट्रोल होता है, और भी बहुत चीज़ें हैं इसमें एक्सप्लोर करने के लिए, अगर जितना आप टाइम लगाएंगे उतना एक्सप्लोर कर पाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप नेविगेशन और जो कि इसके ब्लू लिंक के कनेक्टेड फीचर्स है वो इतने ज़्यादा हैं कि आप यूज़ करते थक जाएंगे पर वो ख़त्म नहीं होंगे। बहुत ही ज़्यादा फीचर्स दे रखे हैं इन गाड़ियों में। अभी हम आगे बात करते हैं रेयर सीट की, बात करते हैं तो थोड़े चलते हैं रेयर में। तो अब बात करते हैं रेयर सीट्स की, तो ये 4300 लेंथ वाली गाड़ी है, जिस तो आप एक्सपेक्ट करेंगे अच्छी खासी स्पेस हो। ये जो ड्राइवर सीट है बिल्कुल पीछे है। पहले बात करते हैं रेयर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, USB पोर्ट और फ़ोन रखने की जगह मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं पीछे भी बॉस के स्पीकर्स हैं, एक बॉटल होल्डर की जगह है। जो ड्राइवर सीट है वो मैंने पूरे पीछे कर दी थी और अच्छी खासी स्पेस थी और कंफर्टेबल सीट्स हैं, इसकी पोजीशन ठीक थी, थाई सपोर्ट ठीक ठाक था। ये आपको साइड में कर्टेंस मिल जाते हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है, हैरियर में नहीं मिलती ये चीज़, जो कि उन्हें देनी चाहिए आने वाले टाइम में, हो सकता है ये चीज़ मिल जाए। डैशबोर्ड की लुक आप देख सकते हैं, पैनारोमिक सनरूफ, एक अच्छा व्यू मिलता है पैनारोमिक सनरूफ की वजह से गाड़ी में। सीटिंग बिल्कुल कंफर्टेबल है, पीछे वाले भी आगे वाले भी। जो ड्राइवर साइड है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, पीछे दो एडजस्टेबल आर्मरेस्ट और ये आपको बीच में आर्मरेस्ट, पीछे दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है और एक बीच में आर्मरेस्ट मिल जाती है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो कीलेस एंट्री वाला फीचर है वो सिर्फ ड्राइवर साइड मिलेगा, को ड्राइवर पैसेंजर वाली साइड नहीं मिलेगा, जो ड्राइवर के साथ वाली सीट होती है उस पर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ड्राइवर वाली सीट पे मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में Hyundai Creta के बारे में इतना ही था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है आप मुझे Instagram के ID
ओपन द हुड, ओपन अंडरस्कोर द अंडरस्कोर हुड पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझसे वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं इस Hyundai Creta के बारे में। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा हमें ताकि हम हमारा ये जो चैनल है इंक्रीज़ करे, हमारे ग्रोथ हो इस चैनल की। कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं Hyundai Creta से रिलेटेड, और पीछे हमारी और भी Hyundai i20 का भी रिव्यू है, और आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। कुछ भी पूछना हो आप मुझे, कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, कौन सी वीडियो पे अगला रिव्यू चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। एक कमेंट किसी भी कार का करेंगे तो उस गाड़ी का रिव्यू ज़रूर आएगा, Volkswagen Skoda या कोई भी ब्रांड की गाड़ी आप बता सकते हैं, मैं उस गाड़ी का रिव्यू डाल दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।